गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी हैं आर्यवीर जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो ये प्रोग्राम है ये कब से कब तक होगा, कहाँ पे होगा? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया GFI टूर का प्रोग्राम टूर प्रोग्राम करने जा रही है। इस टूर प्रोग्राम को 4 मार्च से शुरू करके वर्ल्ड अर्थ डे पे इसकी ग्रैंड फिनाले की जाएगी। लगभग देश के 25 गोल्फ कोर्स से ये टूर प्रोग्राम होता हुआ गुजरेगा और इस टूर प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा गोल्फर पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए इस टूर प्रोग्राम को बनाया गया है। और ग्रैंड फिनाले में इंटरनेशनल लोगों को भी इन्वाइट किया जाएगा और नेशनल लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे इंटरनेशनल मित्रता बढ़े, इसलिए इंटरनेशनल ग्रैंड फिनाले का टूर्नामेंट का आयोजन 29 अप्रैल को किया जाएगा। इसका जो टूर है ये, इसका गोल्फ फेडरेशन का इसका उद्देश्य क्या है, ये जानना चाहेंगे? देखिए, उद्देश्य इसके 2 उद्देश्य हैं, मैं आपको बताऊँ। पहला उद्देश्य तो है कि लोगों की मेंटली और फिजिकली हेल्थ अच्छी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी मेंटली और फिजिकली हेल्थ अच्छी रहेगी तो समाज और देश दोनों तरक्की करते हैं। जितना हमारा समाज अच्छा होता है उतना ही देश तरक्की करता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई हर हिंदुस्तानी एक कदम चलेगा तो भारत 130 करोड़ कदम चलेगा। ये वही कदम है कि हम एक अच्छी पहल करें और भारत 130 करोड़ कदम चले। दूसरा इसका उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, क्योंकि पर्यावरण अपने आप में बहुत बड़ी समस्या पूरी दुनिया की बनती जा रही है। तो गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी निश्चय किया है कि पूरे साल में 1,00,000 प्लांट गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया लगाएगी, और लगाना जितना ज़रूरी है उनकी परवरिश करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ऐसी जगह लगाएगी जहाँ उनकी परवरिश बहुत अच्छे से हो सके और फेडरेशन उस प्लांट को संभाल सके, इसलिए 1 गोल्फर 1 ट्री का हमने जो नारा दिया है। तो जहाँ गोल्फर खेलता है वहीं वो प्लांट लगाएगा तो उस पर ध्यान भी रखेगा और उसको उसके प्रति भाव जोड़ना। हमारे शास्त्रों में तो प्रकृति से प्रेम करना हमारे को सिखाया गया है, तो प्रकृति से हम जितना प्रेम करेंगे उतना ही प्रकृति हमारे को अच्छी हेल्थ और अच्छा इन्वायरमेंट के प्रति हमारा। एक आखिरी सवाल कि ये पौधारोपण की जो आपके भावना जागी है, प्रेरणा मिली है, ये कहाँ से मिली है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपका। मेरी वृक्षारोपण की भावना और प्रकृति के प्रति प्रेम मेरी बड़ी बहन ने मेरे को इसके प्रति मेरे अंदर संस्कार दिए हैं, जो कि गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया में पैटर्न मेंबर हैं, और ये उन्हीं का विचार है। मैं तो उसको अच्छा कार्य करने के लिए बस अपना प्रयास करता हूँ। विचार ये उन्हीं का है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा के और प्रकृति को अच्छा बनाने में